पानी का संकट कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। राज्य में भीषण पानी की कमी के चलते हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि 10,000 गांव के लोगों के पास पीने के पानी के लिए टैंकर्स के अलावा कोई दूसरा स्रोत बचा ही नहीं है। राज्य के 358 में से 151 तहसील सूखे की चपेट में है। राज्य भर में 13,000 से ज्यादा गांव बस्तियां पीने के पानी के संकट से गुजर रहे हैं। हालात इतने खराब है कि राज्य के जलाशयों में 14% पानी ही बचा है। अब ये भी इमरजेंसी स्तर पर पहुंच रहे हैं। 18 मई को राज्य के 26 बांधों में पानी का स्तर शून्य पर पहुंच चुका है। राज्य के 9 बड़े रिजर्वॉयर्स में से 8 में पानी नहीं है। उन्हीं रिजर्वॉयर्स में से एक है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जायकवाड़ी बांध। 102 टीएमसी क्षमता के जायकवाड़ी बांध में भी पानी ना के बराबर बचा है। ये बांध मराठवाड़ा के उन इलाकों के लिए पानी का स्रोत है जो कई साल से सूखे की चपेट में है। औरंगाबाद और अहमदनगर जिले के गांव के लोग मोटर लगाकर इस बांध में बचा पानी निकाल रहे हैं। मानसून से पहले हुई बारिश से भी महाराष्ट्र अछूता ही रहा। मौसम विभाग के प्री मानसून रेनफॉल के आंकड़ों में भी ये साफ कहा गया था कि इस साल मानसून से पहले की बारिश महाराष्ट्र में हुई ही नहीं है। महाराष्ट्र के 4,331 गांव और 9,470 बस्तियों में 5,493 टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। 67 लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान की भरपाई के तौर पर 4,412 करोड़ रुपए की सहायता करने के लिए राज्य सरकार आश्वासन दे चुकी है। कई इलाकों में लोगों को अपना रोजगार छोड़कर पानी जुटाने के लिए दिन भर कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति मराठवाड़ा की है। पानी के संकट की वजह से यहाँ के कई गांवों के लोग पलायन कर चुके हैं। महाराष्ट्र में पानी के टैंकर्स पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। पिछले 12 दिन में पानी के टैंकर्स लेने वाले गांव की संख्या 3,699 से बढ़कर 4,054 हो चुकी है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।